एक जंगल में एक शेर रहता है। वह आए दिन जंगल के छोटे बड़े जानवरों का शिकार करता था। वह अपने आप को बहुत बहादुर मानता था। शेर अक्सर अन्य जानवरों को चुनौती देता रहता है कि उससे ज़्यादा शूरवीर इस जंगल में कोई नहीं है। बड़े से बड़े जानवर शेर की बातें सुनकर सिर झुकाए रहते थे। एक दिन एक गिलहरी ने जब शेर को दहाड़ते और ललकारते सुना तो कुछ समय के लिए वह हैरत में पड़ गई। सोचने लगी, जंगल में तो और भी विशाल और खतरनाक जानवर हैं जो शेर को मुकाबले में शिकस्त दे सकते हैं। उसने मन ही मन में सोचा, कुछ न कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। शेर के जाने के बाद बाकी जानवर से बोल पड़ी, क्या आप लोगों में कोई ऐसा नहीं जो शेर का मुकाबला कर सके? अगर सबके सब कायर हो तो मैं शेर को से मुकाबला करना चाहूँगी, फिर तय होगा कि शेर कितना बड़ा शूरवीर है। गिलहरी के ऐसे बोलने जाने पर सभी जानवर ठहाके मारने लगे। लोमड़ी बोली, अगर तू मुकाबला कर सकती है तो मैं भी मुकाबले में शामिल होना चाहूँगी। मैं अपनी कुशाग्र बुद्धि से शेर को हरा दूंगी। अब पेड़ पर उछल कूद मचाते हुए बंदर नीचे आ धमका और बोला, मैं भी इस मुकाबले में शामिल होना चाहता हूँ। मैं इसके लिए ऐसे पेड़ों से फलों को फेंक कर शेर को हरा दूंगा। अब हाथी से कहा गया, उसने कहा, मैं भी मुकाबला करना चाहता हूँ। मैं अपने बड़े बड़े पैरों से दौड़ा दौड़ा कर शेर को फुटबॉल बना दूंगा। इस तरह से सबके सब एकजुट होकर शेर की गुफा की ओर बढ़ने लगे। सबको अपनी ओर बढ़ता देख शेर को लगा कि वह उसकी प्रशंसा करने के लिए आ रहे हैं। उन्हें देखकर वह फिर अपने कड़े मिजाज में बोलने लगा, तुम सबके सब क्यों एक साथ आ रहे हो? अकेले आने से क्या तुम्हें डर लगता है? इस पर हाथी बोल पड़ा, कैसा और कहाँ का डर, हम तो आपसे मुकाबला करने आए हैं। आपने हम लोगों पर बहुत राज कर लिया, अब हम आपके बिल्कुल भी अधीन नहीं रहेंगे। अगर आपको हमारा राजा बना रहना है तो हमसे मुकाबला करना होगा। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, कौन करेगा मुझसे मुकाबला? अरे मूर्खों, आगे बढ़ो। फिर क्या था, सबके सब शेर की ओर बढ़े चले आ रहे थे। सबके चेहरे पर गुस्सा था। शेर को कुछ समझ में नहीं आया, आखिर माजरा क्या है, सबके सब उससे बगावत पर कैसे उतर आए। तभी सभी जानवरों के लीडर के रूप में गिलहरी आगे बढ़ी और बोली, क्यों तुमने हम सबको ललकारा था ना, कि हम में से कोई नहीं है जो तुम्हें मात दे सके। आज तो देखो, मुझ जैसा छोटा सा जीव तुझे ललकार रही हूँ। शेर एक कदम आगे बढ़कर गिलहरी को अपने पंजे में लेना चाहता था, लेकिन सबको अपनी तरफ तेजी से आगे बढ़ता देख वह भाग खड़ा हुआ। सभी जानवरों ने काफी दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन वह दूसरे जंगल में जाकर छुप गया। अंत में सभी जानवर एकजुट होकर शेर के जाने की खुशी मनाई और गिलहरी को शाबाशी दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी हालत में खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है।